तो एक भजन, एक सूरदासी का। सूरदासी अपनी कुटिया में बैठे भगवान के भजन करते कृष्ण के, तो भगवान कृष्ण बालक रूप में उनके पास बैठ के उनके पूरे भजन सुनते। ये रोज का ही काम था और सूरदास जी को मालूम पड़ता नहीं था। ये होती है भक्त और भगवान के आपस की बात। अब हर कोई, आप और हम या कोई भी, कोशिश करें कि परमात्मा से, इस संसार के मालिक से, जिसको कृष्ण कहो, राम कहो, रहीम कहो, कुछ भी कहो, उनके नज़दीक रहें, तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और संसार के विषय और बहुत कुछ करने के बाद जब हृदय के अंदर कोई पाप नहीं बच रहा हो, किसी के प्रति कोई घृणा, नफरत, कोई बहुत खुशी, बहुत ये कुछ न हो, और मन जो है वो निर्मल जब हो जाता है, तब वो सूरदासी हो या रहीमदासी हो या रसखान कवि हो, जो भी हो भगवान का भक्त, उनकी दूरियां खत्म हो जाती है। वो एक दोस्त की तरह ही रहते हैं, उनकी दूरियां खत्म हो जाती है, लेकिन बहुत त्याग करना पड़ता है। आज मैं आपको सूरदास जी का एक पद, ये क्लासिकल में है, देखो मैं कोशिश तो करता हूँ। मौसम कोने कुटिल खले कामी, मौसम कोने कुटिल खले कामी, कोने कुटिल खले कामी, मौसम कोने कुटिल खले कामी, तुम्हें सो कहा छिपी करुणामय, तुम्हें सो कहाँ छिपी करुणामय, सबके अंतर जामी मौसम, कोने कुटिल खले कामी, मौसम कोने कुटिल खले कामी, मौसम कोने कुटिल खले कामी, जन तन दियो जन तन दियो
ताही बिसरायो जन तन दियो आ जन तन दियो ताई बिसरायो ए सोन में कहरामी मौसम ए सोन में कहरामी मौसम कोने कुटिल खेले काम कोने कुटिल खेले कामी मौसम कोने कुटिल खेले कामी बरी बरी द्रोह विषय को धावत बरी बरी रो हे बरी रो है विषय को धावत जैसे सु करे स्वामी मौसम जैसे सु करे ग्रामी मौसम कोने कुटिल खेले कामी कोने कुटिल खेले कामी मौसम कोने कुटिल खेले कामी सुने सत संग हो तजिए आलस 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 का मतलब कोई को काम को आगे सरकाना मतलब करना तो है ही है लेकिन जहाँ तक हो उसको सरकाओ तो उसे कहते हैं आलस। देसी भाषा में ब्रज भाषा में कहते हैं आलस। सुनी सत संग हो तो जिए आलस विषय संग विश्रामी मौसम कोने कुटिल खेले कामी कोने कुटिल खेले कामी मौसम कोने कुटिल खेले कामी श्री हरि चरण श्री हरि चरण हे हे हरि चरण छोड़ी विमुखनी आ श्री हरि चरण
छोड़ी विमुखनी किनिस दिन करते गुलामी मौसम निस दिन करते गुलामी मौसम कोने कुटिल खल कामी कोने कुटिल खल कामी मौसम कोने कुटिल खल कामी माया मोह लोभ के लीने माया लोभ माया मोह लोभ के लीने माया मोह लोभ के लीने ज्ञान न वृंदावन रहे धानी ज्ञान न वृंदावन रहे धानी कोने कुटिल खल कामी कोने कुटिल खल कामी मौसम कोने कुटिल खल कामी नवल किशोर 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 हे नवल किशोर जलद तनु सुंदर बिसरायो सुर सकल सुखदानी बिसरायो सुर सकल दुखदानी कोने कुटिल खल कामी कोने कुटिल खल कामी मौसम कोने कुटिल खल कामी कोने कुटिल खल कामी मौसम कोने कुटिल खल कामी आ कुटिले खल कामी मौसम कोने कुटिले खल कामी बोलो भगवान।
श्री कृष्णचंद्र जी की जय। दोस्तों हम आपको ये नहीं बता सकते कि हमने क्या गाया, किस तरह से गाया, सही गाया या गलत गाया, हमें इससे कोई कुछ भी मालूम नहीं। गवाने वाला तो वो एक ही है। अब मुझे मालूम है कि क्लासिकल बहुत टिपिकल है, हम नहीं जानते क्लासिकल, जो बात है वो सच है, लेकिन जो तराशे गए शिवलिंग को पूजने का अधिकार है, तो जो गंगा और यमुनोत्री से बहते बहते गोड़ते गुड़ते चट्टान से इतना सा शिवलिंग बनता है, उसका भी वही आदर होता है। तो हम कोई तराशे हुए शिवलिंग नहीं, हम बहते बहते जो आए हैं ना, वो गोल पत्थर बन करके इतने तपेड़े खा के, वो शिवलिंग है। भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान कृष्ण की जय। आप सब पे भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे।